बिल्कुल, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जो उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस की हैं। जैसे बहुत कमर्शियल फिल्में करते थे वो, लेकिन जो उनकी फिल्में, जो पसंदीदा फिल्में होती थी वो दूसरे तरह की होती थी, जिसमें उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया उन फिल्मों में। तो बहुत 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 बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका दूसरे तरीके का सिनेमा में भी। एक्चुअली अभी कल पता चलेगा, एक्चुअली कल परसों से तो नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि बहुत ही वेल नोन ब्रांड है और बहुत बड़ा ब्रांड है, तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा अगर होगा तो डेफिनेटली करूँगा। क्यों किस तरह के ब्रांड को प्रमोट करना चाहेंगे आपसे? नहीं, अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं मैंने। अच्छा, फिल्मों की अगर ये एक्चुअली मैंने एक फिल्म कर रहा हूँ मैं अनुराग कश्यप की, उनकी फिल्म के लिए मैंने बाल भी लगाया। ये तो काफ़ी लोगों को मालूम है रमन राघव का कैरेक्टर है, उसके लिए किया। तो हमेशा चाहता हूँ कि वो जिस तरीके से कर रहे हैं काम ऐसे ही करते रहें, स्वस्थ रहें पूरी ज़िंदगी, और जिस तरीके से लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं सालों से वो, तो उसी तरीके से करते रहें। मेरा जागरण से काफ़ी पुराना हो रहा है, क्योंकि उससे पहले भी जो होते थे जैसे देहरादून में, लखनऊ में मैं गया हूँ वहाँ पे, तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे छोटे छोटे शहरों के लोगों को देखने के लिए फिल्में देखने का मौका मिलता है। और जागरण का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्मॉल टाउन्स में, बेसिकली छोटे शहरों में, कि वो उन लोगों को फिल्में प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत ट्रेलर है, मैंने देखा, बहुत अच्छा ट्रेलर लग रहा है और सुपर डुपर हिट है डेफिनेटली।